कि भैया इतनी इतनी मतलब इससे इमीडिएटली इसको इन्फॉर्म किया, लेकिन किसको इन्फॉर्म किया? उसकी मेन ब्रांच को. जबकि जब डॉक्यूमेंट्स यहाँ एसबीए की तरफ से इश्यूइंग बैंक को भेजे गए थे, तब बताया गया था कि आपको इस डॉक्यूमेंट्स का रिप्लाई हमारी ब्रांच को ही भेजना. बॉम्बे में जैसे बताया कि 500 ब्रांच होगी कि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डील करती होगी, ठीक है, 500 ब्रांच डील करती है, तो उसमें मेरी ब्रांच का डॉक्यूमेंट किसी और ब्रांच में चला गया तो उसको क्या पता चलेगा, ठीक है. ये डॉक्यूमेंट एचएस, जब इसने डॉक्यूमेंट यहां से एसबीआई ने डॉक्यूमेंट जब एचएसबीसी को भेजा था, तब बताया गया था कि भैया डॉक्यूमेंट का कोई भी आपको कम्युनिकेशन करना हो, दैट इज इन एनी केस इफ यू वांट टू कैरी ऑन एनी सबसिक्वेंट फर्दर कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलसी, यू प्लीज कैरी ऑन द कम्युनिकेशन विद आवर ब्रांच ओनली एंड नॉट विद द मेन ब्रांच और एनी अदर ब्रांच इन बॉम्बे, राइट. बट बाय मिस्टेक एचएसबीसी सेंड दिस डॉक्यूमेंट्स टू मेन ब्रांच, डॉक्यूमेंट्स रीच्ड ओवर देयर और एसबीआई में पहुंच गए. 21 दिन उसने लगा दिए कि ये डॉक्यूमेंट्स किसको भेज रहे हैं, 21 डेज. एंड आफ्टर 21 डेज द मेन ब्रांच ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट्स टू द सब ब्रांच, कि भैया ये डॉक्यूमेंट तो ये वाली ब्रांच के हमारे नहीं है, राइट. 20 से 21 दिन के बाद डॉक्यूमेंट उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंच गए. वो डॉक्यूमेंट जैसे ही ब्रांच के पास पहुंचे, ब्रांच ने इमीडिएटली एक्सपोर्टर जो था उसको इंटीमेट किया कि भैया आपका बिल क्रिस्टलाइज होने में मतलब इस तरह से मैसेज आया है एचएसबीसी से, ऐसा हांगकांग शंघाई बैंक से, आप देखो इतनी इतनी डिस्क्रिपेंसीज है. जिस दिन को दिया उसके वेरी नेक्स्ट डे दिस आंसर अबाउट क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंड डिस्क्रिपेंसीज वर गिवन बाय द कंसर्न एक्सपोर्टर टू द ब्रांच, कि भैया इसको डिस्क्रिपेंसी नहीं बोलते हैं. ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ऐसी में 1600 फील्ड आप चेक कर रहे हो उसमें इसी टाइप का लिखा है, इसको आप डिसऑनर नहीं कर सकते. क्लैरिफिकेशन उसने जो भी 8-10 डिस्क्रिपेंसी निकाली थी एरर स्टैटिस्टिकल उसका क्लैरिफिकेशन कर दिया. उसके बाद उसने डॉक्यूमेंट क्या किए, यहां पे आ गए. ये डॉक्यूमेंट उसके पास आया, उससे पहले एचएसबीसी का दूसरा मैसेज आ गया कि भैया इट हैज बीन अप्रोक्सीमेटली 21 डेज सपोर्ट and we have not received the answer, any answer from your side about the discrepancy, right. In absence of answer within short time, we will crystallize your bill and we will send back your documentation. मतलब बिल को डिसऑनर करेंगे, हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, भूल जाओ तो सारी बात. वो वाली बैंक ने बोल दिया, वहां की बैंक ने इसके पास से डॉक्यूमेंट कहां पे आ गए. और उसके वेरी नेक्स्ट डे, अब उसको वेट तो करना चाहिए ना, एक बार मैसेज गया 15 तारीख को उसका मैसेज आया और 16 तारीख को उसने डॉक्यूमेंट्स वापस भिजवा दिए और 19 तारीख को एसबीआई को डॉक्यूमेंट्स मिल भी गए कि भाई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए. एसबीआई ने जब इसने एक्सपोर्टर ने एसबीआई को डॉक्यूमेंट्स निगोशिएट कराए थे तब 45 लाख रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए थे एक्सपोर्टर को, ठीक है, 45 लाख रुपीज उसको पे कर दिए थे. इसके पास अब सिचुएशन क्या हुई कि डॉक्यूमेंट्स इसके पास वापस आ गए एसबीआई के पास और एसबीआई वो डॉक्यूमेंट पार्टी को वापस कर दिए कि भैया एक्सपोर्टर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिसऑनर हुए हैं, बिल आपका क्रिस्टलाइज हुआ है, आप डॉक्यूमेंट वापस ले लो और हमारा जो पेमेंट किया गया था 45 लाख रुपीज का वो पेमेंट अगर वापस कर दो. तो एसबीआई ने क्या किया, डॉक्यूमेंट वापस कर दिया और पेमेंट ले लिया, ऊपर से लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट चार्जेस दिया. क्यों? क्योंकि एसबीआई का कंटेंशन था कि आपका इस तारीख को पेमेंट आना था, ठीक है, वो पेमेंट नहीं आया जिसकी वजह से हमने तो पेमेंट आपको पहले ही कर दिया था, मतलब 3 महीने तक आपने हमारा पैसा ऐसे ही यूज किया तो उसका इंटरेस्ट आपको हमें पे करना होगा. तो एसबीआई ने किसको दे दिया, ठीक है, पेमेंट सब ले लिया, इंटरेस्ट भी मार दिया उसके पास. Exporter was now in panic. It was bill is crystallized. Without any fault from my side, I have been penalized. इसको discrepancy बोलते ही नहीं है. Real sense. ठीक है. Exporter ने फिर जांच करना चालू किया कि चलो भैया ये चीज तो हुई लेकिन consignment तो वापस मंगवा ले एटलीस्ट. इतनी बड़ी अमाउंट का consignment है इसको तो वापस मंगवा ले हम लोग. उसने जांच करनी चालू की किससे, shipping line से, कि भैया कार्गो कहाँ पड़ा है. शिपिंग लाइन फिर से वही घुमाने वाली इंडिया वाली जो स्टाइल है ना, वाली
फिर वो घुमाने वाली बात चालू कर दी कि हाँ कार्गो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा केस हुआ था SBA के सामने ब्रांच मैनेजर के साथ अहमदाबाद के ब्रांच में, मैंने चेक डिपॉजिट कराया था। मैंने जब भी मैं बोलने जाऊँ कि भाई चेक कहाँ पे है, तो बोले क्लियरिंग में। छह महीने तक उसने क्लियरिंग में रखा, छह महीने के बाद सात महीने हो गए, सात महीने और एक दिन हुआ, चेक उसने प्राइवेट कुरियर के थ्रू मेरे घर पे वापस भेज दिया। जबकि जो चेक का बेनिफिशियरी था और चेक का ड्रॉवर था, दोनों एक ही बैंक में एक ही ब्रांच में अकाउंट रखते थे। एंड व्हाट द आरबीआई सेज दैट इफ इट इज अ ट्रांसफर चेक, इसको ट्रांसफर चेक बोलते हैं, इफ इट इज अ ट्रांसफर चेक हैज टू बी ऑनर्ड इमीडिएटली ऑन द डेस्क। इमीडिएटली आपको जवाब देना है, आरबीआई बोलती है, उसका सर्कुलर भी है पास पड़ा हुआ कि आपको डेस्क के ऊपर, आप आए, आपका दोनों का अकाउंट एक ही बैंक में है, आप इन्होंने आपको चेक किया है, ठीक है, आप डेस्क पे जाके खड़े रहोगे, बोले कि इनके बैंक में अकाउंट में, इनके अकाउंट में पैसे है कि नहीं, जो भी है ऑनर होना तो इमीडिएटली हो जाएगा, नहीं होना तो डिसऑनर करके दे देंगे आपको, ठीक है। कलेक्शन में चेक जाता है तो भी उसका आगे का रूल बोलता है कि 24 आवर्स, ठीक है, जबकि इसने कितना ज्यादा टाइम लिया, 21 दिन तो यहाँ पे लगा लिए उसने, और वहां पे गया शिपिंग लाइन के पास आया, शिपिंग लाइन ने फिर 3 महीने तक घुमाया उसको, और 3 महीने के बाद उसको बोला कि भैया आपके माल की डिलीवरी ऑलरेडी चाइना में हो चुकी है। अब जबकि डॉक्यूमेंट्स HSBC के पास पड़े थे, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको ज्यादा पता चलेगा, कहां है भाई साहब, ठीक है, डॉक्यूमेंट बैंक के पास पड़े हो, आप माल की डिलीवरी ले सकते हो क्या? यू टेक द कंट्रोल ऑन द कंसाइनमेंट व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर लाइंग इनटू द बैंक? नॉट पॉसिबल। व्हेन यू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, title to goods are transferred with the documents. When you collect the documents, in that case only you can have control over the goods. क्योंकि वही document लेके आप किसको approach करना है? Custom को approach करना है। Custom के पास जाएंगे, custom देखेगी कि हाँ भैया चलो इसमें delivery order है, BL को endorse किया गया है, ये सब conditions खुल भी की गई है, in that case they will make a delivery order. उसके बाद DO release होगा, DO के बाद आपका further stage आता है, ठीक है। जबकि ये सब चीज हुई नहीं, डॉक्यूमेंट तो वहां पे पड़े थे, और वहां से डॉक्यूमेंट कहां पे आ गए? वापस SBA के पास आ गए। अब जबकि डॉक्यूमेंट्स पार्टी के पास गए, मतलब इंपोर्टर के पास, हांगकांग की जो पार्टी थी इंपोर्टर, उसके पास गए ही नहीं, तो उसने मार्केट डिलीवरी कैसे ली, ठीक है, और बैंक ने इतना टाइम कैसे लगा लिया, 21 दिन, 22 दिन, 25 दिन? तो दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस कंटेस्टेड। उसके बाद इसने पेमेंट कर लिया आपको, हाँ, फिर इसने बैंक के ऊपर केस ठोक दिया एक्सपोर्टर ने। एक्सपोर्टर ने बैंक के ऊपर केस कर दिया और उसने प्रेयर क्या मांगी, द एसबीआई बी ऑर्डर टू पे द सम ऑफ ₹44.5 lakh विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 21% फ्रॉम 28/10/1994 टिल द पेमेंट रियलाइजेशन। जब तक हमारा पेमेंट रियलाइज नहीं होता है तब तक आप 21% ब्याज के साथ जो 44.5 lakh है उसका भुगतान आप करोगे। और फिर जो इंटरेस्टिंग केस लड़ा गया बिटवीन द बैंकर एंड विद द एक्सपोर्टर, कंप्लेनेंट वॉज एक्सपोर्टर एंड द ओपोनेंट पार्टी वॉज बैंकर। इस केस में इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाली क्या है, इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉ कौन से पढ़े जाएंगे उसका है। जो शिपिंग लाइन जिसने भी डील किया उनको पता होगा कि उसमें जो भी शिपिंग लाइन होती है उसका एक एजेंट भी यहां होता है, और यहां माल हैंड ओवर करोगे तो फॉरेन में उसका एक एजेंट होता है, ठीक है। तो शिपिंग लाइन में एक शिपिंग लाइन थी, एक यहां थी इंडिया की जो थी वो एक्सपिन थी, और वहां की जो थी ब्राइट स्ट्रेट थी। कैन एक्सपिन बी टेकन एज एन एजेंट ऑफ ब्राइट स्ट्रेट? और एजेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उसके ऊपर क्या एक्शन ली जा सकती है? आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 230 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन उसमें किया जाता है। कैन द कार्गो बी डिलीवर्ड विदाउट द कंसाइनी कॉपी ऑफ द एडमिट बिल इन हैंड? कार्गो क्या ऐसे डिलीवर किया जा सकता है किसी को? कोर्ट, आप किसी ने भी कोर्ट का ये मतलब केस पढ़ा होगा ना, तो कोर्ट इस तरह पहले क्वेश्चन पूछती है कि क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, 50 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कोर्ट रख देती है, जो भी कोर्ट को अच्छा लगता है। ओपोनेंट पार्टी या जो कंप्लेनेंट है जो केस करती है उनके क्वेश्चनिंग और आंसरिंग के हिसाब से। Can is negotiating bank legally duty bound to sort out all the discrepancies? जो negotiating bank वहाँ पे थी exporter की, उसको compulsory क्या उसको निकालना है?
और डिस्क्रिपेंसी उससे गलती से रह गई तो क्या उसको पेनलाइज किया जा सकता है उसकी गलती की वजह से? इज निगोशिएटिंग बाय इरिवोकेबली बाउंड फॉर द पेमेंट अंडर एलसी, एलसी के अंडर क्या निगोशिएटिंग बाय को इरिवोकेबली बाउंड किया जा सकता है? एलसी जब मैं पढ़ाता हूँ तब वही चीज मैं पढ़ाता हूँ कि कौन सी कंडीशन है. कौन सी कंडीशंस है जिसमें पेमेंट करने के बाद आपका पेमेंट वापस नहीं लिया जाएगा, और कौन सी कंडीशंस है कि जिसमें पेमेंट करने के बाद भी आपका पेमेंट आपकी जेब से वापस बैंक ले सकती है? दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, राइट? व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? इंटरनेशनल लॉ तो कंप्लीटली साइलेंट है अबाउट इट, राइट? अबाउट निगोशिएशन ऑल्सो इंटरनेशनल लॉ सेज नथिंग. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर से फिर कोर्ट ने उसका डेरिवेशन किया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है. What is the time limiting limit in which the issuing bank should notify about the discrepancy to? इस तरह से issuing bank को negotiating bank को किस तरह से और कितने time में interpret करना होगा, क्योंकि bank यदि 20-21 दिन लगा दिए उसमें bill lapse हो जाता है तो उसकी गलती किसकी है? International law उसमें क्या बोलता है? What is discrepancy? चलो सबसे पहले तो discrepancy क्या है, इसने जो गलती की थी क्या वो discrepancy की definition में आती है कि नहीं, वो भी कौन देती? What is negotiation? What is a relation between the negotiating bank and issuing bank? इन दोनों का relation किस तरह से है? एक दूसरे के agent के तौर पर काम करते हैं कि ऐसे ही independently? What is barred by the limitation act of section 25, 24, 25, 29 of multimodal transport act? What is LC transport and endorsement? LC को endorsement किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, और LC transfer मतलब क्या होता है? बहुत important चीज है. कभी कभी आपको ये सब चीजें मतलब सुपरफिशियल लगे या आपको इस तरह से लगे कि चलो यार ये पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जो मैंने बताया ना कि जब गलती आती है ना पत्थर पे पड़ती है तब पता चलता है कि भैया ये चीज ठीक काम में आती है, और ये चीज आप तभी समझ पाओगे जब थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पढ़ोगे. व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड एसबीआई? एसबीआई को आपने डॉक्यूमेंट दिए है तो वो निगोशिएटिंग बैंक हुई, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में क्या है? वो ओएनजी पिक्चर है ना वो है, उसमें वो ऑर्डर होता है ना कि सर भगवान के साथ इसका कोई मतलब या इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका प्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर सेक्शन सो एंड सो इट इज नॉट लायबल टू बी सस्टेन एडमिशन स्टेज पे, वो केस को लॉयर ओपोनेंट लॉयर क्या महेश मांजरे का उसको शो करने का ट्राई करता है कि एडमिट ही ना हो पाए. व्हाट इज लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द निगोशिएटिंग बैंक एंड इश्यूइंग बैंक? इज एसबीआई एक्टिंग हियर एज ए निगोशिएटिंग बैंक? Is delay in sending a communication to the complainant from SBI Chipshagar branch makes the SBI completely liable to pay the entire amount to the complainant? जिस दिन आपने लगा दिए तो इसकी वजह से क्या बैंक को लायबल किया जा सकता है? बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेमेंट बैंक नहीं किया पूरा जो डिफॉल्ट हुआ है उसमें. लीगल क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करती है कोर्ट, अभी हम लोग सुपरफिशियली देख पाएंगे बिकॉज यू नो पहले इन MCCIA सो दैट एट वन यू हैव टू package the all somewhat. Is negotiating bank irrevocably bound to pay? ठीक है, इसका basic कौन से articles international law के इसमें discuss किए जाएंगे? Article number 2, article number 10, article number 13, article number 14 of UCPDC, which defines that what is meaning of letter of credit, type of credit, consequence type of credit होती है letter of credit, that is standard form of examination of documents and discrepant documents and notice. यदि डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट है तो उसके नोटिस, जो मैंने आपको बताया कि लॉ दो टाइप के होते हैं, कॉमन लॉ और दूसरा सिविल लॉ, तो कोर्ट जब भी रिफर करती है तो उसमें सिविल लॉ तो करती है डेफिनेटली कि आर्टिकल कौन से इसमें इंटरप्रेट होते हैं, साथ में कॉमन लॉ भी इंटरप्रेट करती है. कॉमन लॉ मतलब पास्ट प्रेसिडेंस, तो पुराने ऐसे कौन से जजमेंट्स है जिसका रेफरेंस इसमें लिया जाता है, तो इसमें दो तीन जजमेंट्स कोर्ट ने पुराने जो भी पहले प्रेसिडेंस आ चुके थे उनका एनालिसिस इसमें किया है. What the LC transfer was transferred or endorsed in favor of bank? LC का transfer मतलब क्या हुआ? आपने document negotiate करा है, अब आप चेक एक दूसरे को देते हो serial life में, ठीक है, तो उस चेक को आप collection बोलते हो, transfer बोलते हो, क्या बोलते हो? बैंक को आप चेक सबमिट करते हो तो बैंक उसका उसको परचेज बोलोगे, बैंक परचेज करती है क्या चेक, उसको ट्रांसफर करती है, उसको एंडोर्स करती है, लीगली उसको क्या बोला जाता है? एक बार सोच लो, द सेम काइंड ऑफ थिंग्स आर एप्लीकेबल ओवर हियर ऑल्सो इन केस ऑफ LCs.
that whether LC was transferred or endorsed. Endorsed का मतलब क्या होता है उसका definition, फिर transfer का definition, वो negotiable instrument act के हिसाब से वो लोग करने का try करते हैं. Then the court gives an order कि भैया ये चीज आपने की है, इतनी सारी गलती आपने की है और इन इन पार्टियों ने इतनी गलतियां की है तो इसके लिए आप responsible हो एंड तो इन तो पार्टी को आप इतने लाख रुपया पे करो. एनी क्वेश्चन? कितना टाइम हुआ? 1 एक